हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली बर्गर। ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये। इसके लिए हमने एक बाउल रवा लिया है, जिसको छान लिया था। इसको एक बड़े बाउल में डालकर बैटर बनाएंगे। आधा चम्मच नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए दो प्याज, एक गाजर, दो बॉइल्ड आलू, एक मोटी मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियां और हरी मिर्च ली है। कुछ कोरिएंडर लीव्स कट करके हमने रखी हैं। वेजिटेबल्स को हमने फाइन चॉप कर लिया है। आलूओं को मैश कर लिया है। अब हम एक पैन में 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर मिक्स किया है। वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इन्हें बहुत अच्छे से नहीं पकाना है। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे और आलू इसमें हम ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। इसमें 1/4 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। से मैश कर लेंगे। इस तरह ये तैयार हो गई है। और अब हम एक डब्बा या कोई इस टाइप का गोल बर्तन लेंगे। इसमें 1 ग्लास पानी डालकर गर्म करने के लिए इसको ढक देंगे, जिससे ये प्री हीट हो जाएगा। अब हम बैटर में 1 नींबू मिलाएंगे और जो इनो का पाउच आता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, विदाउट फ्लेवर वाला लेना है। हमने लेमन फ्लेवर का लिया है, जिससे इसमें कोई अलग से फ्लेवर नहीं आए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गोल कटोरियाँ लेंगे, जिससे जो इडली बनेंगी वो देखने में बिल्कुल बन जैसी लगेंगी। ऑयल अप्लाई करने के बाद इसमें हम बैटर डाल देंगे। 1/1 चम्मच बैटर हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बन बहुत मोटे बनेंगे, खाने में भी बहुत परेशानी होगी। अब हम इसमें सारी कटोरियों को सेट कर देंगे। अब इसे ढक देंगे। इसके होल को बंद करने के लिए कोई भी टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर इसमें लगा सकते हो, जिससे स्टीम बाहर भी नहीं आएगी। अब हम चेक करते हैं। 5 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगी। देखिए, बैटर बिल्कुल बाहर नहीं आया है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब 5 मिनट के बाद ठंडा करने के बाद नाइफ़ की सहायता से हम इसे टैप करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी स्पॉन्जी इडली बनी हुई है। अब हम इडली से बर्गर बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 इडली रखेंगे, उस पर केचप अप्लाई करेंगे और जो स्टफिंग हमने बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। अब दूसरी इडली के बन पर हम हरी चटनी लगा देंगे
और इसको इस टाइप से रख देंगे। इस तरह इडली बर्गर तैयार है।